और किसी का अपमान नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो सिपाही हैं और जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मान है, उसी तरह से बैजनाथ राम जी का भी सम्मान है। और आप निश्चिंत रहें, ये सम्मान पार्टी कैसे देगी ये बैजनाथ जी और हम लोगों के बीच का मामला है। उनको सम्मान भी मिलेगा और समाज के की जहाँ तक बात है, समाज को भी हम लोग सम्मान। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और ये बात सही है कि इस राज्य में जो मुख्यमंत्री का पद है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि आज हेमंत सोरेन जी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो इच्छा शक्ति है, जो उनका मनोबल है, वो कम नहीं हुआ है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से जमीनी जो हकीकत है उसके साथ में चलती है, और गठबंधन के साथियों के साथ में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम अपनी बात नहीं करते हैं, हम गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत कैसे सुनिश्चित हो इस विषय में बातचीत करते हैं। इंडिया एलायंस झारखंड में 14 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, लेकिन कौन सीट किसके खाते में जाएगा ये माथापेची जारी है। ये चर्चा का विषय है और लगातार दो चर्चा दिल्ली में हो चुकी है। दोनों चर्चा में जो शामिल हुए हैं पार्टी की तरफ से, वो महासचिव JMM के विनोद पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप लोग चर्चा कर लिए, मतलब इससे पहले भी दिल्ली गए थे, अभी भी, क्या कुछ नतीजे पर आप लोग पहुंच पाए? बिल्कुल नतीजे पर हैं हम लोग, और चर्चा, हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, गठबंधन की बात है तो उस गठबंधन में जो भी हमारे सहयोगी दल हैं उनके साथ में तो बातचीत होगी ही। हम आएंगे भी जाएंगे भी, कभी यहाँ आकर के उन लोगों के द्वारा बात की जाएगी, कभी हम उनके पास जाएंगे। और इन 14 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत कैसे सुनिश्चित हो, इन विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ हिस्से बंटवारे की बात नहीं है, बात है कि गठबंधन के प्रत्याशी की जीत कैसे सुनिश्चित हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, RJD हो या लेफ्ट पार्टी, जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, सबों के विषय में चर्चा होती है और सबों के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं गठबंधन को लेकर। तो कोई तो फार्मूला होगा कि उम्मीदवार मजबूत हो वो रखा जाएगा, या लोकसभा में जितने विधानसभा आते हैं उसके में विधायकों की संख्या रखे जी, ये फार्मूला हम लोग तय कर लेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। चुनाव हमको लड़ना है, हमारे दल को लड़ना है, गठबंधन को लड़ना है, वो सही समय पर हम आपको बता देंगे कि किस सीट पर किस दल के प्रत्याशी होंगे। नहीं, चूंकि अभी जो कुछ दिन पहले इंडिया एलायंस में था, फिर इस बार BJP में चल गए, और वो उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा लास्ट 11th आवर में निर्णय लेती है, जो उचित नहीं है, समन्वय बनाने में फिर बाद में दिक्कत होता है, इस वजह से ये चिंता का विषय है आम लोगों का भी। नहीं नहीं, आम लोगों की चिंता तो वाजिब है, लेकिन गठबंधन में जिस तरह से बातचीत हो रही है, सभी चीज़ें सकारात्मक है और बेहतर ढंग से गठबंधन इस राज्य में चुनाव लड़ेगा। ठीक है, मेरा एक दो सवाल और है। जैसे कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक ये हमेशा कहते रहे हैं कि जीत सुनिश्चित हो इसी को आधार बनाया जाए, मतलब ग्राउंड पहले क्या था, अब आगे क्या होना चाहिए वो जरूरी नहीं है, छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है वो नहीं, वो कह रहे स्टीयरिंग सीट हमको मिलना चाहिए क्योंकि हम बेहतर संख्या और हम मजबूत हुए, तो ये बात पार्टी के तरफ से। देखिए, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और ये बात सही है कि इस राज्य में जो मुख्यमंत्री का पद है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि आज हेमंत सोरेन जी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जो इच्छा शक्ति है, जो उनका मनोबल है, वो कम नहीं हुआ है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरह से जमीनी जो हकीकत है उसके साथ में चलती है, और गठबंधन के साथियों के साथ में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम अपनी बात नहीं करते हैं, हम गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत कैसे सुनिश्चित हो इस विषय में बातचीत करते हैं, और जो हकीकत है वो हम सामने रखने का काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी देर करती है, जल्दी करती है, सवाल ये नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि सही समय पर
आपको हम प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी करेंगे और पूरी मजबूती के साथ गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जीत भी सुनिश्चित होगी। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं पिछले लोकसभा का भी परिणाम देख रहे हैं, एक सीट आपके पे आया, एक सीट उनके पे आया। इस बार आपके साथ सहानुभूति है, विधायकों की संख्या सर्वाधिक है, कार्यकर्ताओं की जनभावना है, विधायकों की जनभावना है कि भाई हम ज़्यादा सीट पर लड़े, तो क्या आप ये सब भी बता रहे हैं अपने सहयोगी को कि हम रहेंगे तो एक प्लस पॉइंट ऐसे ही रहेगा? देखिए कार्यकर्ताओं की भावना का हमेशा हम सम्मान करते हैं और जो उनकी भावना है वो भावना बिल्कुल स्पष्ट है, पार्टी के अंदर में हम इसकी चर्चा भी कर चुके हैं और हम तो उसी हिसाब से बात करेंगे ना, जो सही चीज़ है, जो ज़मीनी हकीकत है उसको हम लोग सामने रखते हैं। और हम ऐसा नहीं कि हम अपनी सिर्फ बात करने जाते हैं, हम गठबंधन के सभी साथियों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो RJD के लोग हों या लेफ्ट पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के भी लोग। एक आखिरी सवाल विनोद जी, बैद्यनाथ राम जी गुस्से में हैं क्योंकि उनका वारंट निकल गया था, अब फिर भी मंत्री परिषद का वो शपथ नहीं ले पाए। कई आज दलित समाज के लोग उनके घर गए और कहा कि ये दलितों का अपमान है। आप पार्टी में इतना बड़ा ओहदा हासिल किए हुए हैं, आप इसको पूरे चीज़ को कैसे पहले देखते हैं? देखिए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है, उन परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय होते हैं और किसी का अपमान नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो सिपाही हैं और जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मान है उसी तरह से बैजनाथ राम जी का भी सम्मान है। और आप निश्चिंत रहें, ये सम्मान पार्टी कैसे देगी ये बैजनाथ जी और हम लोगों के बीच का मामला है। उनको सम्मान भी मिलेगा और समाज के की जहाँ तक बात है समाज को भी हम लोग सम्मान। वो तो कह रहे हैं सामने थाली परोसा बिना मांगे फिर छीन लिया। देखिए वो क्या बोल रहे हैं अब आपके मुंह से हम नहीं सुनना चाहते, वो जो बोलते हैं वो हम लोग सुन चुके हैं और हम लोगों की बातचीत होती है, रोज़ बातचीत होती है। लेकिन 12वें मंत्री पर तो जीच है अभी? नहीं नहीं जीच नहीं है, कोई जीच नहीं है, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपके सामने होंगी। कोई समय दे सकते हैं आप टाइम बाउंड? मैं समय देने वाला कौन होता हूँ? आप महासचिव पांडे जी, मैं समय देने वाला कौन होता हूँ? आप समय दे सकते हैं कि आप कब तक इस चैनल में हैं? दे सकते हैं? बिल्कुल आप दीजिए, मैं भी दे देता हूँ। मैं तो मतलब आपकी चुनाव कराने तक विधानसभा। प्लीज प्लीज ये सब बात नहीं कीजिए, बेहतर होगा। आप खुद अपने समय दे दिया, आप अपने बारे में कंफर्म नहीं है कि आप कब तक इस चैनल में रहिएगा, आप इंतजार कीजिए, सही समय पर आपको हम स्पष्ट कर देंगे सभी चीज़।